ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए स्ट्रेचिंग के लिए ये भी अभ्यास अच्छा है। इससे भी आपने देखा होगा कई लोग, मैंने ऐसे हजारों लोग देखे हैं, रात को ठीक से सोए थे, सुबह उठे तो कमर में दर्द मिला और फिर कई वर्ष तक उस दर्द ने परेशान किया। ये स्ट्रेचिंग भी अच्छी होती है कमर दर्द के लिए, इसको ताड़ासन कहते हैं। आज आपको षटकर्म के अंतर्गत कुछ क्रियाओं का अभ्यास करवाया जाएगा। उसमें शंख प्रक्षालन करते हैं, उसमें पांच आसन होते हैं, ताड़ासन, फिर ये तिर्यक ताड़ासन, फिर कटी चक्रासन, दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ आमने सामने और ऐसे एक तरफ घूम जाते हैं। ये कटी चक्रासन का पहला अभ्यास, फिर दोनों हाथ बीच में से आराम से। ये कमर के लिए अच्छा है, वैसे भी ऐसे हथेली आमने सामने रहती है और छाती जितना फासला बना रहता है हाथों में, जब साइड में घूमते हैं तब सामने से पंजे हिलते नहीं है, सामने ही ऐसे रहते हैं पंजे, तो ऊपर से नीचे तक ऐसे शरीर में एक घुमाव आता है। अच्छा, फिर दूसरा अभ्यास होता है, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, हथेले नीचे की ओर, दाएं हाथ को बाएं कंधे पर ले आते हैं और बाएं हाथ पीछे दाहिनी जंघा के ऊपर और बाएं कंधे से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देखते हैं ऐसे। फिर दूसरी ओर से भी दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे ले आते हैं। शंख प्रक्षालन में अभ्यास कराते हैं, गर्म पानी पिला करके आसन कराते हैं, बैठ करके शंखासन और उल्टे लेट करके भुजंगासन, और थोड़ी देर में फिर पेट साफ होना शुरू हो जाता है। गर्म पानी, उसमें थोड़ा नींबू नमक मिला के पूरा पेट साफ हो जाता है।